हेलो फ्रेंड, आप लोग को आज 10th के मैथ क्लास होने वाला है और उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले दे देता हूँ, जिससे आप लोग को मैथ सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो त्रिकोणमिति है, देखिए चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति है, उसका मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और फॉर्मूला है उसको मैं पहले सॉल्व करूँगा, उसके बाद आप लोग को भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से हैं, देखिए पहला है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब इंटू कर्ण, ठीक है। लंब को हम डिनोट करते हैं पी से और कर्ण को हम करते हैं क्या चीज़ से? एच से, ठीक है। इस तरह से पहला का है पी बराबर हो गया परपेंडिकुलर और एच से हाइपर डिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से इसे डिनोट करते हैं। चलिए अब कॉस ए का देख लेते हैं। कॉस ए का डिनोट किससे करते हैं? बी बाई एच से, ठीक है। इसे बी बाई एच भी कहते हैं, यानी आधार गुने कर्ण, ठीक है। चलिए अब टेन ए के देख लेते हैं। टेन ए के देख लेते हैं इस तरह से, देखिए टेन का होता है यानी क्या? लंब गुने आधार, यानी पी बाई बी, ठीक है। टेन के इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉट का, ठीक है। कॉट का हो जाएगा आपको बी बाई पी, ठीक है। इस तरह ये हो गया आपको कॉट का। चलिए सेक का बताता हूँ मैं। सेक का हो जाता है एच बाई क्या? बी, ठीक है, एच बाई बी। इसी तरह कॉसेक के भी देख लेते हैं। जस्ट साइन का उल्टा कॉसेक का होता है, यानी कि एच बाई पी, ठीक है। इस तरह से डिनोट करते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग इस तरह से बता सकते हैं। साइन ए का हो जाएगा पी बाई एच, या एक पूछ देगा कॉसेक बराबर क्या होता है, तो आप लोग ये आंसर आसानी से टिक मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से डिनोट है। तो चलिए साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो उसका बराबर वन होता है, ठीक है। यहाँ पे वन, ये सब आप लोग याद रखिए। देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लेंगे। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। साइन ए साइन टू थीटा बराबर क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से देखिए आगे भी इस तरह से बताएंगे। कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए टू टेन थीटा है, उसके बाद टाइम लिख देंगे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से लिखा, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू साइन कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। और फिर आगे भी देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र, ये सब आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए त्रिकोणमिति संबंध, साइन ए इंटू कोसेक बराबर वन होता है, ठीक है। कोसे इंटू साइन कोसेक बराबर वन होता है, ये सब आप लोग महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, ठीक है, ठीक है। इस तरह से चलिए, और ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये भी देखिए आप लोगों के सामने, एंगल, एंगल मेन है। इस एंगल को आप लोग याद कर लीजिएगा, एंगल बहुत काम देगा, ठीक है। इस एंगल को देखिए साइन 30 डिग्री का, तो इस तरह से आप लोग इस सूत्र को आसानी से याद कीजिएगा। देखिए अगर आप लोग साइन की याद कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका इस कॉस के याद हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक साइन का याद कीजिए तो कॉस का याद हो जाएगा। उसी तरह आप टेन का याद कीजिएगा, देखिए टेन का
इसका याद कीजिएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कॉट का भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उसी का उल्टा है, ठीक है। उसी प्रकार कोसेक का याद कीजिएगा तो सेक का याद हो जाएगा, यानी कि बहुत आसान तरीका याद करना। इसमें से आप तीन याद कर लीजिएगा, साइन, टैन और कोसेक, तो आपको कॉस, सेक, कॉट ये सब याद हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से इसको लिख लेंगे। वीडियो को रोक रोक कर देखिए, इस तरह से यहाँ पर वीडियो को रोक कर आसानी से लिख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप लोग भी प्रेजेंट रहिएगा।